Hi, I'm Archana, Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Whoa! Whoa! Yeah! 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 Whoa! Yeah, whoa! Love you all! Yay! Yeah! Hey, guys! Hey! How's it going? Yeah. Hi. The hero of the film! Hi. Hello. 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 क्यों? इनका सीन इसलिए रखा गया अगर आपको कोई बाथरूम बाथरूम जाना तो इनके सीन में जा सकते हैं कप्पू ट्रीट मी लाइक अ सेलिब्रिटी यार बस केको You're fantastic in the movie. इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही thank you, thank you, thank you. लेकिन सर ये देखिए ना ये कप्पू शर्मा इंट्रोड्यूस भी नहीं कर रहा है मुझे ये मैं खुद कर लेता हूँ Ladies and gentlemen, please welcome Kapil Sharma Show ki jaan. Bachcha Yadav aur Bachcha Yadav ka character nibhane wale, show ki TRP ko 4.1 tak pahunchane wale. Kapil Sharma Show mein Kapil ko piche chhod ke khud aage nikal jane wale. Jaandar, shaandar, behtareen kalakar Kiku Sharda. Thank you. Thank you. Thank you. साहब भाई सही से बताना जितनी लाइनें इन्होंने यहाँ बोली है इतनी फिल्म में है इनकी नहीं नहीं है और दो लाइन जो बची थी वो सेंसर ने काट दी क्यों आपके साथ इनका सीन है तबु मैम नहीं आपके साथ है फरीदा जी नहीं आपके साथ ना 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 अभी मैं क्या पूछूं आपसे कि पहले कभी इंटरव्यू दी है या दी है तो वापिस ली है अच्छा मैम चलिए बहुत बहुत स्वागत है किकू जी का आइए सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि फिल्म में आपका रोल बड़ा है या आपके कच्चे का साइज नहीं देखिए देखो इसमें मैं जोक सपाट भी नहीं कहूंगा मेरे को सच में क्यूरियोसिटी कितने सेंटीमीटर का कच्चा पहनते हैं आप इज अ शॉट इन द ट्रेलर ना ऑफ दैट बिग अंडरवेयर This one, that's his. नहीं नहीं कच्चे की बात मत कीजिए मेरे रोल के बारे में पूछिए ना मेरा रोल ऐसे पूछिए रोल क्या है आपका पूछिए तो फिल्म में कितने रोल खाए आपने चिकन रोल एग रोल टाइप ऐसे नहीं ऐसे सीरियसली पूछिए कि कीकू जी आप फिल्मों में कैसे आए पूछिए पूछिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप फिल्मों में आए क्यों अच्छा खासा इधर काम चल रहा है ना क्यों गए थे आप किस समय गए आप आपकी एक फिल्म आई थी ना फिरंगी नाम की इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे नहीं आप मुझे तकलीफ देंगे तो थोड़ी तकलीफ तो मैं भी दूंगा ना थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना हाथ की यस या नो जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे ये आपके लिए है ये आपके लिए सब सबको मिलेगा सबको मिलेगा कद्दू कटेगा सब में बटेगा आपके पास भी रहेगा हाँ जी मेरे पास भी रहेगा सर ओके तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो ऐसे कभी ऐसा हुआ है बिल्कुल आपकी भी हील टूटी थी जी तो भगवान ने तो आपको इन बिल्ड हील देके भेजा है आप मतलब आप ना हील पहना करे पता क्यों क्यों कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आप आपके नीचे आके आदमी मर सकता कोई कितनी ऊंचाई से गिरेगी अलाया आपके साथ कहाँ हुआ था ये मेरे साथ तो कई बार हुआ है होता ही रहता है एक्चुअली अच्छा हाँ तो चेक करो डॉक्टर को नहीं मेरा हील टूटता ही रहता है तो हील पर हील वैसे क्यों पहनती लड़कियाँ ऐसे लंबा दिखता है ना मुझे पर मैं सोचता हूँ यार कितना मुश्किल होता है हैट्स ऑफ टू यू गाइस मतलब आप हील पहन के चलना मतलब अभी मैं इमेजिन करूँ कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी
चलिए चला ही नहीं जाता हेलो हाय कोई पीछे बुला ले हाय कुबरा आपके साथ कहाँ हुआ था ये मुझे याद नहीं है मगर टूटी जरूर 100% चकी सर आपके साथ मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था नहीं आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ मैं जूतों की बात कर रहा हूँ रामायण के लिए गया था लाल किला में तो स्टेज पे गया राम जी के दर्शन करने के लिए तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप राम जी को मिलने जा रहे जूते निकालने पड़ेंगे अच्छा मेरे जूते चोरी हो गए मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया अरे नए खरीद लेता अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मतलब क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते जैसे उबासी आ रही हो यॉनिंग तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे ऐसे कभी हुआ फिर ऐसे हुआ फरीदा जी कभी आपके साथ नहीं हुआ It's very normal and natural to yawn. हाँ हम नाटक क्यों करेंगे मैं yawn करती हूँ आदमी कभी कभी करता है कि अरे यार मैं ऐसी नाटक नहीं करती लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो उबासी आती है उसको कंट्रोल नहीं कर सकता आप कभी गौर से देखना सैफ सर जो डॉग्स होते हैं yeah. अगर आप आवाज करना कोई अगर कुत्ता उबासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो वो कैसे रिएक्ट करते हैं आप मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना ठीक है कुत्ते एकदम से करते हैं पता अच्छा मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना स्नीज करते हैं बहुत टाइम वेस्ट करते हैं कितना टाइम लगता है फिर ये वो टिश्यू निकालेंगे जो भी कुत्ते को आप देखना कभी छींक मारते हुए वो जाते जाते करता है पता नहीं चलता है ऐसे भाग रहा है अच्छा ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं कभी कभी कि ये जो आपको मैसेज आया जो बहुत लकी है आगे 10 लोगों को फॉरवर्ड करो और आपको गुड न्यूज मिलेगी आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं रोज आते हैं हाँ हाँ आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें हैं मैं उनको ही भेज देता हूँ ऑफिस गुड वन सैप्स नहीं आते हैं मुझे अच्छा आप आगे फॉरवर्ड करते हैं एक बार किया था क्यों अच्छा शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब नहीं नहीं कुछ तो होगा नहीं, कुछ मैंने सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए मैं करता हूँ आगे तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया मैंने एक मैं अपनी माँ को भेजा उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया तो दैट मैं उसके बाद नहीं किया कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो नहीं इनफैक्ट तबू आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया अरे मैं क्या है मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देयर प्रैंक्स एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट यू नो सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ सर नहीं नहीं अलाया आपके साथ मैं आई एम श्योर हुआ होगा आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल लोग मुझे डराते बहुत है क्यों मैं इजीली डर जाती हूँ लो आपने तो वेपन दे दिया अब इसको नहीं नहीं कोई वेपन वेपन वाली बात नहीं पर किस चीज से डर लगता है आपको हर चीज से मोहब्बत से जी नहीं मोहब्बत से डर नहीं लगता है फरीदा जी मैं सिर थप्पड़ से लगता है मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फरीदा जी इंसान कर लो बेटा कर लो कर लो अच्छा अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने आपने किए अजय सर के साथ हाँ. अच्छा ही डिजर्व्स इट अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल वन में किया था क्या इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है तो सब लोग गए उधर वाइन पी दबा के खाना खाया दबा के सबने और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था अच्छा नहीं लगता है ना मैं सीनियर हूँ तो मैं बाथरूम चला गया ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए तो मैं बाथरूम से निकला अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए यार वो तेरे साथ वो गैंग था तो उसने मुझे पकड़ा फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांजने के लिए ये सब फिर साजिद खान साजिद नडियाडवाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते थी नहीं पैसे
आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे कल रात को एक वियर्ड सपना आया. क्या? हमारे कुछ दोस्त हैं, तो एक थोड़ी हमारी उम्र से थोड़ी बड़ी हैं, 60 साल की हैं. अच्छा. मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्हें खा गया उसे. कल रात. मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली. अभी पिछले दिनों एक सपना आया कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी. पता नहीं क्यों हुआ. और मैं सपने में रो रहा हूँ. मैं माफ कर दे, हमने क्या बोला तेरे को? वो फट भी सकता है सिलेंडर. हाँ, एक बार हमेशा गैस की बात करता रहता है ना हमेशा, इसीलिए इसका ऐसे सपने आए. मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं, ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे, तो मैंने कहा आप उतरो मैं खुद चली जाऊंगी. तो ऑटो में मैं बैठी, मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता. अगर आप पॉटी देखते हो ना, बोलते हैं आपको बहुत पैसा आने वाला है. नहीं, really, really. और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है. लॉटरी नहीं, उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो कहीं. तबू जी, आपको वियर्ड सपना क्या आया आज तक? मुझे बहुत वियर्ड आते हैं. एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ ऐसा सपने से हमेशा मैं उठती हूँ. अच्छा. हाँ, फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ, मैं अकेली हूँ एंड ऑलवेज द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इनसाइड द सिटी ऑन इट्स व्हील्स. अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया, मैं बता दूँ क्या? हाँ, प्लीज सर. हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में, तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला. तो कोई नहीं था एयरपोर्ट में और एक एक एयर होस्टेस थी, वो बोली मुझे कि यू कैन गो, यू आर दी ओनली वन. आई सेड नो वेट. सो आई सेड आई एम दी ओनली वन. ऐसे तो पहले हुआ नहीं. सो आई केम इन, आई वाज वॉकिंग ऑन द टारमैक, तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयर होस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने. तो मैंने अपना फ़ोन निकाला और मैं फ़ोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम, पहली बार हुआ ऐसे यार. और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पे और अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे. और वो बोल, उसका मतलब था कि यू आर दी ओनली वन लेफ्ट. आई स्वेयर इट्स नॉट अ जोक. हाय हाय हाय, आपका इंतजार कर रही थी मैं. माय गॉड, इतना सुना है आपके ब्यूटी पार्लर के बारे में. थैंक यू. आज पूरी दुनिया के जाने मन जाए, जोरदार ताली हो जाए. हाँ भाई, हाउ आर यू सपना? My God. Hello, salam, namaste, Waalaikum salam, namaste. Hi, cutie pie. How are you? Hi, ma'am. Hi. Hello. Hi. Hi, Hi, you very nice, huh? Sapna. Hi, ma'am. Oh, thank you, ma'am. Love you. Thank you. Hi. Hi, kaise nawab sab? Aapke liye main khas bana ke layi. Oye, shabash, ye kya hai? Ye heera aloo. जीरा आलू होते, हीरा आलू क्या? नवाब लोग जीरा आलू नहीं, हीरा आलू ही खाते. हाँ, सच्ची में इनके घर पे मुर्गा है ना, सुबह बांग नहीं देता, वो भी शहनाई बजाते. सच्ची में. और जिस दिन उसने ज्यादा शहनाई बजा ली, उस दिन क्या होता है? मुगलई चिकन. और मेरे को आपसे सवाल पूछने का था सर. प्लीज. यू सो हैंडसम, वेरी नाइस. यस. तो जब आप जिम में जाते हैं जी, तो उधर आप डोले छोले बनाते हैं कि उधर भी ओले ओले बनाते हैं? आपको बताऊं, आपको जब देखती है ना मैं, तो मेरे दिल से एक ही शब्द निकलता है. क्या? वाओ. सपना, करने क्या है इधर? मेरे को तैमूर की नैनी का जॉब मिलेगा क्या? नहीं, सच्ची में. आपका नैनी रखेला आपने? एक है. लेकिन कोई बात नहीं, नैनी तो सिर्फ तैमूर का ख्याल रखती है ना. जी. मैं उनके पापा का भी ख्याल रखने को थी. नहीं तो अगर आपको मेरे को जॉब पे नहीं रखने का ही चलेगा, आप ना मेरा हाथ किसी नवाब के हाथ में दे दो प्लीज. और तेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा, मुकेश का? अरे जब किसी को नवाब मिल रहा है, उसको मुकेश जैसे कबाब की क्या जरूरत है तेरे. हाय तब्बू जी, कैसे? आपका वेरी नाइस. यू ये आप क्या काम करते, क्या एक्ट्रेस है? तब्बू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए. मैं आपका सब काम देखे लिए, सब देखी मैं आपका, सब फिल्म देखे लिए. और मैं इतनी बड़ी फैन है आपकी, मैं ऐसा मतलब आज पब्लिक के सामने बोलती है
रात बेरात किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करेगी, फोन उठा लेना मेरा प्लीज मेरे को। अच्छा आप मेरे को Why are you crying? Hi, how are you? He's very senior actor, you know, बचपन से मैं देख रही है। हाँ, सच्ची में। जब इनकी आंखें आई थी ना, तब मेरे दांत आए थे। अच्छा आपका वो गाना आया था ना तब्बू जी, वो राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। क्या बात हो गई बताइए ना। अभी तक मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं मतलब ऐसी ऐसी बातें तो बताओ, मैं मिट्टी लेकर आई, हम बात पे मिट्टी डाल देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मिट्टी पड़ी हुई है। हाँ पड़ी हुई है बहुत सालों से। कोई बात नहीं, मिट्टी पे अर्चना जी पानी डाल देगी और वो कीचड़ हो जाएगा, फिर कोई आदमी चल कर आएगा वो फिसलेगा, ये भाग के उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगी। ऐसे चल रही है। फिर आपका वो गाना है तो रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ये गाना सुन के कितने अंग्रेज लोग रुक गए मालूम है इधर इंडिया में। अच्छा? वो भी इधर ही रहता है, नील नितिन मुकेश। फरीदा जी कैसे आप? वेरी नाइस। अच्छी हूँ। आप मदर्स डे पे बहुत बिजी रहते रहेंगे ना? क्यों? इतनी मम्मी का रोल किया है फिल्मों में। जैकी श्रॉफ जी है ना, वो सबको बोलते हैं बिड़ू मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, ये उनको बोलती है मेरा बच्चा है तू। कैसी बातें करती है, पता है कितनी सीनियर एक्ट्रेस है फरीदा जी। सीनियर तो ऐसे बोल रहे जैसे एक के अंगल को उन्होंने गोद में खिला ले, इतनी भी सीनियर नहीं है। हाय। हाय। हाउ यू? वेरी गुड। आपको पता है फिल्म इंडस्ट्री में दो ही चीजें चल रही है, क्या? टीवी पे नागिन और डिजिटल में कोबरा। कुब्रा, कुब्रा नाम है उनका। कुब्रा। हाँ। हाय कुब्रा। हाय कैसी हो सपना? सेट कैसे? अरे कुब्रा सेट कैसी है? सॉरी सॉरी है। मस्त है एकदम। मस्त मस्त। हाय। हाय। वेरी नाइस यू, वेरी गुड। हाँ। ब्यूटी पे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इनके लिए जोरदार ताली। वेरी नाइस यू डू। अलाया। अलाया आपको मालूम है मैं नाला सुपर से अभी मीरा रोड में शिफ्ट हो रही है, तो मेरे को डाइनिंग टेबल फर्नीचर की जरूरत है। अच्छा मतलब वो फर्नीचर वाला है उनका सरनेम, तो इसलिए मांग रही थी। पागल है क्या? मैं तेरी बहन हूँ, मेरा कोई वट है? ये सब चीजें मेरे पास रे, तो मेरे को एक फ्लैट दिला दो ना नारा। खैर एनीवे सैफ सर, आप ब्यूटी पार्लर हियर, यू कम फर्स्ट टाइम नो? मैम आए पहले, मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है, बताओ ना प्लीज। तो आपके लिए ओले ओले मसाज है। ओले ओले मसाज क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, हम कस्टमर को तेल लगाती है हमें और मसाज चालू करती है, वो बोलता है मजा नहीं आया थोड़ा और तेल डालो, तो मैं और तेल डालती हूँ, फिर मसाज चेक करती है उसको, वो बोलता है मजा नहीं आया और तेल डालो, तो मेरे को गुस्सा आता है, तो मैं तेल का डब्बा उठाती, मैं बोलती और ले और ले और ले और ले, ऐसा करती। कच्चे धागे, कच्चे धागे। कच्चे धागे। मैम ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया लास्ट टाइम आई थी ना, तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज। कच्चे धागे में क्या होता है? इसमें इसमें क्या रहता है सर, कच्चे से जो धागे निकल रहे रहते हैं। हाँ नहीं मैम सॉरी सॉरी नहीं बोलेगी मैं। आपकी एक पिक्चर रहती माचिस मसाज। माचिस फिल्म थी, उसका मसाज है हमारे पास। मैं अपने बात करेगी ना, फिल्म का क्यों बात करेगी। तो इसमें क्या होता है माचिस? इसमें क्या रहते हैं, मैं पार्लर बंद करती है, ओह गॉड, तो मेरी माँ आ जाती है। माँ बोलती है मेरा मसाज करो। बहुत मारूंगी सपना, चुप कर। नहीं नहीं माँ को अब ना कौन बोलेगा मैम, अब तेल हमारे पास खत्म हो गया है, हम क्या करते हैं माँ को चीज लगाते हैं। माचिस मसाज। तो माँ माँ बोलते है तो बहुत बदबू आ रही है, तो मैं बोलती माचिस ही ऐसी है, माचिस मसाज ऐसे रहता है। वेरी गुड। मैं चलती है सर, मेरे को जाने का। बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले आते हैं ना इधर, अनुराग वो डायरेक्टर है ना, वो पिछली बार आए थे तो अपना कश्यप छोड़ गए थे। तो मेरे को उनको देने का है। सर आपके साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है?
नहीं शायद रखा करो क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको किडनैप करने की. गॉड मैं बताता हूँ. देखिए जरा वीडियो में देखिए. अच्छा परी आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले किसको उठाएंगी आप? बहुत मार पड़ने वाली है. मैं अगर सच में ऐसे किसी को अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े तो मैं सैफ अली खान को करती. देखो ऊपर वाले सैफ अली खान क्या आपके साथ सांड गांड करके आए हैं. ऑलरेडी करीना कपूर परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है. ऊपर वाले मुझे उठा ले. नहीं नहीं देखो सब कुछ सेफ है. मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ. तो उन्होंने भी ओके बोल दिया है. ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले. बस ये दूर से प्यार है बस. हमसे दूर वाला ही कर लो. ये क्या है यार? Just for camera. ये तो मतलब मैं जा रही हूँ अभी. This is just for camera. पकड़े गया. She's like my. पकड़े गया. आप उससे पहले काटना था. अरे she's like my cousin girlfriend. Oh cousin girlfriend's a fab. Great. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.